पिता है और आपका स्वरूप संतों की तरह ही है, तो एक अट्रैक्शन हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपके ज्ञान से भी अपने आप को थोड़ा सा मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊं। जी चलिए, और कौन है ऑलरेडी जो नंबर जानते, जैसे मनीषा चौधरी है। हाँ जी, मनीषा चौधरी कहाँ पर। हाँ जी, मनीषा जी अभी तो थी। अच्छा, और कौन जानते हैं। हेलो, राधे हाँ राधे सर जी। हाँ जी, राधे राधे, कौन जानते हो। हाँ जी, कोई बता पाएगा कि क्यों सीखना चाह रहे हो। मनीषा जी ऑलरेडी जान। सर, हाँ जी, सितंबर 2023 में हम कोर्स कर चुके हैं, सर्टिफिकेट रिसीव कर चुके हैं, प्रैक्टिस चल रही है हमारी। लेकिन जब आपको सुना तो बहुत अच्छा लगा, आप एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देते हैं। कहाँ से कब सीखा। मेरे से सीखा, मेरे से नहीं, तो नहीं आपसे नहीं सीखा, और सीखा। मुझे मुझसे नहीं, नहीं आपसे सीखा। नहीं सीखा हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मेरे याद नहीं। हाँ जी, जी। ओके। फिर क्यों, फिर से क्यों अटेंड करना चाहते। ये आपने सीखा है तो सेवन फिर से नंबर हैं क्यों। तो आप जानते हैं कि सेवन नंबर नॉलेज सीकर होता ओके चलो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप टाइमा बर्थ को लेती हो। टाइमा बर्थ को, काराकास को लेती हो। नहीं सर। नहीं लेती। होरा नवांश को लेती हो। जी हाँ सर, वो रेट करते सर। वो तो वैदिक में लेती हूँ ना। होरा नवांश को कंसिडर करती हो, काराकास सर, एस्पेक्ट वैदिक को। न्यूमरोलॉजी नहीं मैंने सीखा है, मेरा नॉर्मल है ओके जी। चलिए, बढ़िया है। चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा अपना अपना इंट्रोड्यूस दे दूं, किससे आप ट्रैक कर रहे हो, मेरा क्या पर्पस है। मैं जितेंद्र जैन, फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद, और आई हैव डन माय 3 PGs, 5 साल एज ए आई वर्क एज ए ट्रेनिंग इन एज ए इन कॉलेज, 17 साल मैं IT फील्ड में काम कर चुका हूँ, जहाँ पर मैं प्रोग्रामर टू प्रोग्राम मैनेजर था, और जहाँ पर 70+ टीम को हैंडल करता था, जिसमें पर्टिकुलरली बैंकिंग और इंश्योरेंस डोमेन जो होते हैं उसको हैंडल करता। दोनों भी, एक तो बैक एंड बैंकिंग होती है, एक ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस जो बाइक का इंश्योरेंस होता है उसके प्रोजेक्ट में हैंडल करता था। और 2012 में मैंने अपनी IT फील्ड छोड़ी, और जो मेरी अंतर मन की यात्रा थी शुरू किया, और बहुत कुछ 3 साल तक मैंने काफी कुछ रिवाइज किया। पहले तो थोड़ा आता था, बट इतना प्रोफेशनली नहीं आता था, लगता था कि मुझे वापस कुछ रीलर्निंग करनी पड़ेगी, तो मैंने अपने आप को सर लगभग। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। हाँ जी पूनम जी, हो रही नहीं क्या है। नहीं नहीं क्लियर आ रही है। सर क्लियर है। हाँ जी, तो फिर 2012 में मैंने IT छोड़ी, और फिर 2015 से बिल्कुल 100% कंसल्टेंसी दे चुका हूँ, देते आ रहा हूँ, जिसमें मैं पर्टिकुलरली ऑन वास्तु साइड और न्यूमरोलॉजी साइड। और न्यूमरोलॉजी में मैं लगभग 17 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें आप लोग नाम भी नहीं सुन वैसे न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरी अपनी खुद की न्यूमरोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड ए 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी। और सेकंड है, मैं वास्तु में लगभग 9 टाइप्स के वास्तु जानता हूँ, जिसमें मैं 7 प्रैक्टिस करता हूँ, 2 प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एक टेम्पल वास्तु है, टेम्पल वास्तु प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेम्पल्स बनाते हैं वो ट्रेडिशनल वाले ही करते, जैसे राम मंदिर का था, जो ट्रेडिशनल वाले वही करते, किसी और को नहीं देते, बट आई नो इन टू दैट। और लगभग मैं 13,000+ कंसल्टेंसी दे चुका हूँ, और 7,000 स्टूडेंट से ज़्यादा ही अभी तक मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑन वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। इसके अलावा आई नो 96 टाइप्स ऑफ हीलिंग मोडलिटीज, और मेरी अपनी कॉपी राइट हीलिंग हीलिंग मोडलिटी है, दैट्स कॉल्ड एज ए इंट्यूटिव हीलिंग। वो सिर्फ मैं अपने लिए ही यूज करता हूँ, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यूज करता हूँ, और मैं उसमें हीलिंग देता हूँ, जहाँ पर मैं अपनी चेतना को निकाल कर लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता हूँ, पर्टिकुलरली जो पैरानॉर्मल से इम्पैक्टेड। वो जो इंट्यूटिव हीलिंग है सिर्फ पैरानॉर्मल लोगों के लिए बेटर होती है, जैसे बोलते हैं ऊपर की छाया बोलते हो, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ग्रे मैजिक, उनकी
उनको हील करता हूँ। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं और लगभग कम से कम 60-70 क्लाइंट्स हैं जिसे मैं अभी भी आज भी हीलिंग करता हूँ। ओके, और मेरा बेसिकली ऑफिस है हैदराबाद में, रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स में। मेरा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक का इंस्टाग्राम है, उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए। और ये 3 दिन का जो पर्पस है मेरा कि बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपको दूं ताकि आपकी एक इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, क्या हम न्यूमरोलॉजी से भी हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। नंबर बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, नंबर की भी अपनी एक लैंग्वेज है जो आज तक हजारों साल तक यूज करते आ रहे हैं। ये मत समझना न्यूमरोलॉजी अभी अभी आ रही, नहीं, वास्तु न्यूमरोलॉजी पहले हमारे जीवन के पार्ट थे। बीच में 400 साल ये विदेशी लोगों के दबाव में हम भूल चुके थे। पिछले एक 25-30 साल से इन दोनों का काफी प्रचलन हुआ और आज वास्तु और न्यूमरोलॉजी के लाखों प्रोफेशनल्स आज सर्विस दे रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग एरियाज। तो न्यूमरोलॉजी को कभी कम मत आंकना, आंकना मत। आप जीवन में हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो न्यूमरोलॉजी से, हर प्रॉब्लम। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, मैं बोल दूंगा। एक मृत्यु को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मृत्यु को बस सिखाता नहीं हूं, बट सिर्फ मैंने अभी तक सिर्फ वो पार्ट जो है सिर्फ पूनम जी को सिखाया और किसी और को नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसमें थोड़े से डिसएडवांटेज, लोग मिसयूज कर सकते हैं, इसलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजी वाला भी नहीं सिखा। चलिए, सबको और एक बार मैं सहज वास्तु परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। और जो जो वीडियो ऑफ करके रखे हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो लोग अपना वीडियो ऑन रख लें ताकि लर्निंग अच्छी हो। मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, आप सीखो ना सीखो, मैं तो तीन दो लोग भी हैं या एक जना भी है तो मैं सिखाऊंगा, मगर जो आप समय दे रहे हो नहीं उसका यूटिलाइज हो, नहीं तो आप गलत समझोगे, गलत रेमेडी अप्लाई करो। एक प्रेग्नेंट लेडी को गलत दवाई लगाए तो क्या होगा, दवाई ली तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, उससे बदतर हालत होती है यदि आप न्यूमरोलॉजी को गलत यूज करते हो। हाँ जी, मेरे साथ मेरी पूनम जी हैं, जहाँ पर शी विल टेक केयर ऑफ माई ऑल कंसल्टेंसी ट्रेनिंग, सब शी विल टेक केयर ऑफ माई ऑल माई बटन, जितना भी मेरा 67%, 60-70% शी विल टेक केयर। ओके, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हाँ पूनम जी, ठीक, राधे राधे सभी को, करते और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पूनम बंसल अपने सहज वास्तु के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि अभी सर ने बताया, डेफिनेटली हम लोग साथ में जुड़े हैं क्योंकि हम एक पर्पस लेके चले थे। मैं भी सर के साथ ऐसे ही जुड़ी जैसे आप सब जुड़े हैं एक वेबिनार से। हालांकि अकल की जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी मेरी, बट यहाँ पे आके जो स्टेग्नेंसी आई और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। अब आप सबको देख के मुझे कई बार वापस वो सब कुछ रिमाइंड होता है कि किस तरह से सभी लोग कितनी जगह से घूम के आते हैं कि कुछ अच्छा मिले। और यहाँ पे जैसे सर का भी मोटो था और मेरा भी एक सेम वही गोल था, मिनिमम में मैक्सिमम। और ये कॉन्फिडेंस हमें इतना ज्यादा आ चुका है कि ये जो हमारा मोटो था उसको हम सही से प्रूव भी कर पाए हैं और जितना हम देना चाहते थे हम उतना दे भी पाए हैं। अब यहाँ पे आप सब लोग आए हैं तो जितनी चीजें आप सोच के आए हैं तो वो भी यहाँ भी वही होगा कि मिनिमम में मैक्सिमम। बहुत नॉलेज आपके पास होगी बट यहाँ जो मिलेगी आई कैन गारंटी यू वो एक डिफरेंट तरीके से आपको मिलेगी। और जैसा आप सोच के आए हैं मिनिमम में और उससे ज्यादा मतलब मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो वापस आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे और चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपकी जर्नी हमारे साथ ये बहुत लंबी चले और बहुत अच्छी चले। जो सोच के आए हैं वो उससे ज्यादा आपको मिले। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू। चल, किसी अच्छा इसकी एक क्लास की जो होगी, 2-3 पॉइंट बता दूं आप। इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लाइव अटेंड करना होगा कि 3 दिन रहेगा, समय यही रहे। और साथ साथ मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक से भी जरूर जुड़िए, ताकि आपकी जो लर्निंग है
वो कंटिन्यू रहे और मेरे यूट्यूब पर बहुत कुछ है सीखने के लिए। और मेरा भी वास्तु का भी कोर्स आ रहा है, उसको भी आप वेबिनार आ रहा है, वेबिनार भी जरूर अटेंड कीजिए। और कल बताऊंगा मैं आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप ऑफ क्या इसके 3 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो, कैसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हो, क्या कौन सा कोर्स है मेरा जो आपको जीवन में पर्टिकुलरली सीखना चाहिए, और मेरी 90 स्टार नूमरोलॉजी क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल दूंगा कल। आज तो हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नंबर सिस्टम। सबसे पहले आप डे वन लिख लीजिए पेज पे, और अपनी अपनी डेटा पड़ता जी। एक सेकंड में सब, तो सबसे पहले अपनी अपनी डेटा पर डाल दीजिए। क्या करना है, अपनी अपनी डेटा पर डाल दीजिए, और डेटा पर में डालकर देखिए कौन से नंबर है, 1 to 9 नंबर में से कौन से नंबर आपके पास है आपकी डेटा पर, और कौन से नंबर नहीं है, पहले ये ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले वही ऑब्जर्व, हाँ जी बताइए कि कौन से नंबर है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है और कुछ नंबर नहीं है, कौन बता पाएगा। हाँ जी सोमा जी, ये जो क्लास होगी इंटरेक्टिव होगी, प्लीज तो जो जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक बार बात करके वापस म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ताकि लर्निंग ज्यादा हो, क्योंकि इंटरेक्ट मैंने ये देखा है, मेरे अपने आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 87 से पढ़ाता हूँ। पहले जब इंटरमीडिएट था तो 10th क्लास में पढ़ाता था, जब डिग्री था इंटर को पढ़ाता था, एमसी तीनों पीजी किए हैं, और तीनों पीजी मैंने अपने ट्यूशन फीस से कमा के मैंने फीस भरा है। ओके तीनों के भी, जबकि स्कूटर भी मेंटेन कर रखता था, पेट्रोल भी मेंटेन रखता था सब, तो मेरी टीचिंग स्पीड उतना एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये देखता हूँ कि इंटरेक्टिव ज्यादा लर्निंग होती, ना कि वन वन वे होता है। हाँ जी, और क्वेश्चन आंसर जो ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है मैं हर टॉपिक के बाद लेता हूँ, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन आंसर, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा दूँ 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर क्वेश्चन आंसर लूँ, जो जहां पर आपका टॉपिक से डिस्टेंट होने के ज्यादा चांसेस। हाँ जी सोमा जी, जी, प्रणाम। हाँ जी राधे राधे, राधे आप राधे। हाँ जी, आपके डेट ऑफ बर्थ बताइए कौन से हाँ, 12/6/1972 मेरा। नहीं, कौन से नंबर है 1 to 9 में, कौन से नंबर। 1/2/6/1972 मिसिंग है। उसको थ्री फोर हाँ फाइव एट 3, 4, 5, 6, 8 मिसिंग है। जी। अच्छा, अब हम अभी मैंने कहा कि 1 to 9 नंबर ही है जो नेचुरल देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 1 to 9 नंबर ही है। कभी देखा है कि कोई 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर है, नहीं है। किसी की आवाज आ रही है तो म्यूट कर लीजिए अपने आप। जी रिंदा की आवाज आ रही है। हाँ जी, कभी देखा है कि आप कोई दूसरा नंबर है, एक्चुअल देखा जाए तो नंबर जो है 1 to 9 ही है, 2 डिजिट 3 डिजिट जो मतलब 11 से 12, 10, 100, 99, 100, 101, 102, 1000 तक ऐसे नंबर जो है, ये सब आर्टिफिशियल नंबर्स, एक्चुअल जो नंबर्स है वो है 1 to 9। ओके, डबल डिजिट सब आर्टिफिशियल, हमने बनाया कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 9 + 0 को मिला। 0 हम न्यूमरोलॉजी में नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल नंबर है। कौन सा नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है। ओके, उस वो अनंत है, उसका कोई हमारे न्यूमरोलॉजी में उसका कोई महत्व नहीं है, बट उसका है वो शून्य अवस्था है, आप शून्य अवस्था तो उसका कोई महत्व नहीं होता है लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, हम लाइफ को पढ़ रहे हैं, लाइफ के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, इसीलिए 1 to 9 नंबर चाहिए। जो 1 to 9 नंबर है वो नेचुरल नंबर है,
आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या होता है? डीडी एमएम वाई वाई होता है, डीडी एमएम वाई वाई। हम न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई भी नंबर को सिंगल डिजिट में कंसिडर करते हैं। क्यों सिंगल डिजिट में कंसिडर करते हैं? क्योंकि हमारे पास 1 to 9 नंबर ही है। सपोज एग्जाम्पल किसी 22 तारीख आई, आज सपोज आज आज तो 2 है, तो 2 है, जब 22 आएगी, 20 आएगी, 10 आएगी, 11 आएगी, तो डबल डिजिट होंगे, बट हम उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। ओके जैसे मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, ये तो बेसिक चीजें हैं। ओके बट फिर भी मेरा लगता है कि बताना चाहिए, एक आध लोग हो सकते हैं कि इसमें फ्रेश बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही न्यूमरोलॉजी सुन रहे हैं। तो हम करते हैं 1 to 9 नंबर के सिंगल डिजिट को ही लेते हैं, डबल डिजिट को लेते नहीं हैं। कभी भी हम डबल डिजिट को लेते हैं बट इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। ओके डेट होती है डी डी एम एम वाई वाई। अब सबसे पहले क्वेश्चन होता है ये 1 to 9 नंबर है क्या, है क्या ये 1 to 9 नंबर? हाँ जी, कोई बोल पाएगा ये 1 to 9 नंबर क्या है? कोई बोल पाएगा ये 1 to 9 नंबर है क्या? कौन बोल पाएगा? हमारे हैंड राइज कर। 9 ग्रह, ओके 9 ग्रह। नंबर को फिर ग्रह से कहाँ से मतलब आया? हाँ जी, नंबर और फिर ग्रह, ग्रह का न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे, फिर ग्रह क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ जी वृंदा जी, कौन बोल पाएगा? नहीं एनर्जी साइकिल जो वो प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम तो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, प्लैनेटो कहाँ पढ़ रहे हैं? हम तो वो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे, फिर नंबर्स जी, वो नंबर्स ही तो प्लेनेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नेचर को, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो फिर एस्ट्रोलॉजी में क्या कर रहे हैं? फिर टैरेट में क्या कर रहे हैं? फिर हीलिंग में क्या कर रहे हैं? एनएलपी में क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन में क्या क्या कर रहे हैं? योगा में क्या कर रहे हैं? फिर बोल सकते हो कोई भी? फिर वहां वहां क्या कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट को देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट नंबर को देख रहे हैं, टैरेट में अलग एंगल से देख रहे हैं, हीलिंग में अलग एंगल से देख रहे हैं, योगा में अलग एंगल से देख रहे हैं, ओके तंत्रा में अलग एंगल से देख रहे हैं, मंत्रालय में अलग एंगल से देख रहे हैं। तो हर एक का अलग अलग एंगल है, अलग 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 प्रोस्पेक्टिव है। न्यूमरोलॉजी में हम नंबर को देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट को देख रहे हैं, वास्तु में भी हम क्या देख रहे हैं? प्लैनेट को ही देख रहे हैं। एक्चुअल हम एक्चुअल जो करते हैं वास्तु, एस्ट्रो वास्तु करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? चलो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, पहले देखते हैं ये क्या है 1 to 9 नंबर क्या है। ये 1 to 9 नंबर जो है एनर्जीज है। किसकी एनर्जीज है? किसकी एनर्जी? नंबर की एनर्जी है। हर एक हर एक चीज दुनिया में एक सटन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती है। यस, कभी देखा है वो टीवी? पूरा अभी तो टीवी जाता जाता मुझे नहीं मालूम है, पहले टीवी चल गया तो टिम 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 आती थी आवाज, वो आती थी सिग्नल जाता, तो सबको याद है स्टार्ट में एंटीना वाला था। अभी तो जाता नहीं, पहले एंटीना के टाइम जाता था, हम ऊपर जाके उसको सीधा करते थे, कितने लोगों को याद है? हाँ, वो जो टिम टिम आता है वो सेल है, वो जो सेल आ रहा है वो वाइब्रेशन है एक एक फ्रिक्वेंसी की। ओके तो नंबर की भी फ्रिक्वेंसी होती है, बट एक पॉइंट बता दू, जितने भी एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरेट है, हीलिंग है, या लाल किताब है, या फिर एनएलपी है, मेडिटेशन है, तंत्रा है, मंत्रा है, हम सब में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लैनेट को ही पढ़ते हैं, प्लैनेट के प्रभाव को ही पढ़ते हैं। मेथड अलग अलग हो सकता है, गेहूं के आटे से पूरी बना लो, पराठा बना लो, रोटी बना लो, कुछ भी बना लो, आटा है ना, मेन तो गेहूं है ना, वैसे भी हम एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं प्लैनेट के प्रभाव को, पढ़ रहे हैं हम पर पड़ने वाले, या ऐसे बोल सकते हो हम जितनी भी विद्याएं अकल की, ये सब प्लैनेट के प्रभाव को अध्ययन करने का एक माध्यम है। ओके
सेम वे आप एस्ट्रोलॉजी में वही आएगा, न्यूमरोलॉजी में वही आएगा। मेथड अलग अलग है प्लैनेट के प्रभाव को पढ़ने का या अध्ययन करने का। मैं बताता हूं, जैसे मैं बहुत अच्छा ड्राइंग मास्टर हूँ, ओके, रियली आप अप्रिशिएट करोगे मेरी ड्राइंग को देखकर। कई लोगों को एक्सपीरियंस होगा अच्छे अच्छे ड्राइंग मास्टर, मैं भी बहुत अच्छा ड्राइंग मास्टर। ये क्या है? प्लैनेट्स हैं, ये ब्रह्मांड है। आप यहां पर कौन है? मैं हूं, ओके, कौन हूं? मैं हूं। कि मैं धरती पे हूं, एक कॉन्सेप्ट समझ जाना, बस समझ में आ गया तो मैं यहां पर मैं हूं। ओके, समझ ना, इसको समझ में आए तो बहुत। ये मैं हूं यहाँ पर, ये पूरी क्या है? धरती। मैं रेक्टेंगल डाल रहा हूं धरती, धरती में मैं ठहरा हूं। मेरे पर प्लैनेट का प्रभाव पड़ना है। ये अलग अलग प्लैनेट है, ये राहु है, सफल प्लैनेट नहीं है राहु केतु, मैं जस्ट लिख रहा हूं यहाँ, केतु है। चलो राहु केतु को निकाल देते हैं। या सन है सपोज, या मून है, या जुपिटर है, या शनि है, या मार्स है, या मेरक्यूरी है, या क्या है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा? वीनस है, और जुपिटर हो गया, मून हो गया, जुपिटर वीनस हो गया, फ्राइडे वीनस हो गया, या और सैटर्न, सैटर्न भी आ गया। ओके, अब ये अलग अलग प्लैनेट्स हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो हमें, हम जानते भी नहीं है। बहुत सारे प्लैनेट है, छोटे छोटे, बहुत गैलेक्सी। हम क्या कर रहे हैं? न्यूमरोलॉजी, इसके प्लैनेट के प्रभाव को पढ़ना है, प्लैनेट के प्रभाव को पढ़ना है। किस पर? मेरे पर पड़ने वाले प्रभाव को पढ़ना है। ये प्लैनेट भी अलग अलग बॉडी पार्ट पर पड़ते हैं, अलग अलग प्लैनेट का प्रभाव अलग अलग होता है। इस प्लैनेट के प्रभाव को पढ़ना है तो मुझे कौन सी विद्या का यूज करना, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना है? भाई आदमी पर प्रभाव पड़ता है तो अलग अलग टेस्ट करवाते हो। तो यहाँ ये जो टेस्टिंग करने का मेथड है, उसके प्रभाव को समझने का है, वो इंटरमीडिएट पैटर्न है। यहाँ पर आप बीच में लगाते हो एक टेक्नोलॉजी, इसके प्रभाव को समझना हो तो इन प्लेनेट का जो प्रभाव होता है, ओके, इसमें क्या क्या आ सकता है, इनके इसके बीच में क्या क्या आ सकता है? ओके, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी आ सकती है। ओके, यहाँ पर क्या आती है? एस्ट्रो वास्तु आ सकता है, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी आ सकता है, यहाँ पर टैरट आ जाएगा, यहाँ पर हीलिंग आएगा, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर साइकोलॉजिकल, ओके, यहाँ पर क्या है? लाल किताब आएगी, एल के, यानी लाल किताब। ओके, यहाँ पर टैरट हो गया, डायरेक्ट हो गया, और क्या रहा बचा? हाँ जी, ये अलग अलग मेथड, एग्जाम्पल हीलिंग है। अब क्या कर रहे हैं? इसके प्रभाव को नल स्टडी कर रहे हैं। हीलिंग में भी क्या कर रहे हैं? ऑरा कितना है, चक्रा कितने मोमेंट्स हो रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में क्या कर रहे हैं? नंबर के प्रभाव को समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर के प्रभाव को समझ रहे हैं। ओके, फिर एस्ट्रोलॉजी से क्या कर रहे हैं? ओके, वहां भी हम प्लैनेट के प्रभाव को पढ़ रहे हैं। एस्ट्रो वास्तु में क्या कर रहे हैं? आपके घर में एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या हो रहे हैं, उसका प्लैनेट, जो मोमेंट्री प्लैनेट, उसका प्रभाव क्या हो रहा, वही देख। तो क्या आप ये मान सकते हो कि हम एक ही प्रभाव को अलग अलग टेक्नोलॉजी से यूज कर रहे हैं? सिंपल, अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे आप खाना मंगा रहे हो, किसी होटल से मंगा रहे हो, अलग अलग है, पर अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस अलग है, बट सबका इम्पैक्ट जो हो रहा है वो सब समझना, उस पे रेमेडी लगाने का तरीका अलग अलग है, बट इम्पैक्ट को समझने का तरीका जो है वो सेम टू सेम है हर में। ओके, तो फिर
बेसिकली हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बेसिकली क्या डिफरेंस, कहाँ पर डिफरेंस आता है, क्योंकि बाकी तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर एक कंपेरिजन करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के प्रभाव को पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के प्रभाव को पढ़ते हैं, बट दोनों ये भी एक तो ही पढ़ डिफरेंस रहे हैं, है। दोनों एक ही पढ़ रहे हो, दोनों एक ही पढ़ रहे हो ना, दोनों जी देखो नंबर का प्रभाव को देख रहे हो या प्लेनेट के प्रभाव को देख रहे हो, इनडायरेक्टली किसको देख रहे हो, प्लैनेट्स को ही। इनडायरेक्टली प्लेनेट को ही देख रहे हो ना, जी तो जी फिर एस्ट्रोलॉजी में फिर न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है, कुछ तो कुछ डिफरेंस होगा ना, बट मैं कहूंगा कोई डिफरेंस, मेथड अलग अलग, रोट आ घ्यो से रोटी बना रहे हो, आटा बना रहे हो, पूरी बना रहे हो, मेथी पराठा बना रहे हो, कितने सारे आटों में मिक्स करके बना रहे हो, एक ही आटा है ना, डिफरेंट आइटम बना रहे, डिफरेंट यूसेस है, तो टेक्नोलॉजी अलग अलग माध्यम है आपको समझने का और कुछ भी नहीं। ओके अभी देखते हैं पहले क्या है, फर्स्ट यार एक सेकंड में सभी को बंद करता, हाँ जी पहले नंबर सिस्टम क्या है समझिए, न्यूमरोलॉजी क्या है फिर डिफरेंस समझिए, न्यूमरोलॉजी क्या है ये मुझे बताओ, पहले जब आप स्विगी से ऑर्डर देते हो, अमेजोन पर कोई बाइक करते हो या फ्लिपकार्ट पे बाइक करते हो, कोई भी ई कॉमर्स साइट पे बाइक करते हो, फ्लाइट बुक करते हो या कोई भी ट्रांसैक्शन कर इवन कोरियर करते हो, तो क्या डाटा क्या कर रहे हो, तो बोल पाए हम लोग क्या क्या बहुत सारा डाटा हम दे दे रहे हैं कंपनियों को, क्या क्या दे रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आपका सीटी दे रहे हो, आप क्या आइटम ले रहे हो, कौन से टाइम पे ले रहे हो, कहाँ से मंगा रहे हो, कौन सी, ओके हाँ सर स्क्रीनशॉट जी हाँ जी ओके कहाँ से मंगा रहे हो, कब मंगा रहे हो, कितना अमाउंट का मंगा रहे हो, कौन सी क्वालिटी का मंगा रहे हो, कौन सी कंपनी का मंगा रहे हो, अमेजॉन से पता नहीं चल रहा है, कंपनी के पास डाटा नहीं है आपका, कौन सा बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज करो, HDFC यूज कर रहे हो, कौन सा पता नहीं चल रहा है, स्विगी से पता नहीं चल रहा है, कौन सी होटल की आप लाइक हो, जैसे मैं बीकानेर का लाइक हूँ तो बीकानेर से मंगाऊंगा, ओके कुछ 10-12 होटल है सराउंडिंग में, एक 10-15 किलोमीटर में उसी का मंगाता हूँ, बाकी होटल का नहीं, मतलब डाटा नहीं है क्या उनके पास, थोड़ा सोच के देखो, एक पूरा डाटा है स्विगी के पास, आप अमेजॉन के पास पूरा डाटा है, अब आप कहीं बुकिंग करते हो फ्लाइट में, सपोज कोई बहुत सारे फ्लाइट बुकिंग साइट्स हैं, बुक करते हो पता नहीं है क्या, आप कहाँ से जाते हो, कहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हो, ओके जैसे मैं पिछले हफ्ते गया था, पिछले महीने गया था दिल्ली जयपुर और कंसल्टेंसी के लिए पूना गया था, और ओके तो क्या कर रहे हो, मैं ओला बुक करता हूँ रोज एक बार, तो पता नहीं है क्या कहाँ जाता हूँ, ट्रैक नहीं कर सकते हो, कहाँ से कहाँ ड्रॉप पिकअप किया, कहाँ ड्रॉप किया, कौन सा रूट है मेरा, मैं कितनी बार जा रहा हूँ, कब कब जा रहा हूँ, कौन सी ओला ओला में कौन सी गाड़ी बुक कर रहा हूँ, एसी बुक कर रहा हूँ, नॉन एसी बुक कर रहा हूँ, या छोटी कर रहा हूँ बड़ी कर रहा हूँ, तो इतना कुछ इंफॉर्मेशन हमारे बारे में इन कंपनियों के पास है या नहीं है, मानते हो ना, तो ये डाटा क्या कैसा डाटा, ये डाटा को वो लोग प्रोसेस करते हैं, पूरा प्रोसेस करके आपको ऑफर बताते हैं ऐप पर कि फॉर यू इज ए 10% डिस्काउंट, जैसे स्विगी था कल बीकानेर में मैं खाने पे गया था, सडनली पेमेंट करने के बदल वो एक आइसक्रीम जो 133 रुपीज की थी मुझे एज ए गिफ्ट दिया उसने, किसने, स्विगी ने, तो पता है ना कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो जनरली पेमेंट करने गया कि मैं ये पापा पा गया, तो कहने का मतलब एज ए गिफ्ट है,
मतलब उनको पता है कि ये चीज यहाँ से खाता है ये बंदा, ये वेजिटेरियन है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन नॉन वेज होटल से देता ही नहीं मैं, तो पता नहीं कर सकते हो कि वेजिटेरियन आदमी है कौन से लाइक शेड्यूल है। तो ये क्या है, पूरा डाटा ड्रिव। वैसे ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी ड्रिवन है, लाइफ की कॉन्टेक्स्ट को बताती है। आपकी छोटी सी डेट ऑफ बर्थ जैसे अभी DDMMY लिखे हो, उसमें पूरी आपकी लाइफ के डीएनए है। डेटा बर्थ नहीं है, पूरा ड्रीवन है, डाटा ड्रीवन है, कंप्लीट डाटा निकाल सकते हो यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ओके, तो ये क्या है, सब पहले न्यूमरोलॉजी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, शेर हुआ क्या पूनम जी? हाँ जी, हो गया। चल एक सेकंड, ओके। न्यूमरोलॉजी क्या है? एक डाटा साइंस है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे काम करती है। एक साइंस है, मिथ नहीं है, ये साइंस है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को, जो आई है हमारे जीवन में, हम पैदा हुए हैं, वो कोई एक्सीडेंटली नहीं है, हम अपने हिसाब से हमने चूज किया है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे पूरी डाटा साइंस है वो, और उसे पूरा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यदि हम सिस्टमेटिक फॉलो करें तो पहुंच सकते हैं हमारे जीवन के होने वाले प्रॉब्लम तक। तो ये जो अप्रोच है डेटा बर्थ को एनालिसिस करने का, उसे कहते हैं डाटा ड्रिवन अप्रोच कहता हूं। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ से क्या पता चल रहा है? आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चल रहा है आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल रहे हैं। क्या पता चल रहे हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब सेकंड पॉइंट मालूम पड़ रहा है, क्या क्या हो जाएगा? आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल गया तो क्या हो जाएगा भाई? आपकी स्ट्रेंथ, किसी की भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल गया तो वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा। यदि स्ट्रेंथ है तो यूटिलाइज करेगा, वीक पॉइंट है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेगा, यानी आपके ग्रोथ के लिए का यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जान लेते हो तो आप आराम से अपने डिसीजन पावर को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, राइट डायरेक्शन में लगा सकते। इसके अलावा क्या कर, और एक चीज होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है आने वाले अच्छा समय या बुरा समय, या लकी लकी और अनलकी इवेंट्स। इवेंट मतलब टाइम, घटनाएं, अलग अलग घटनाएं होती हैं, तो वो आप जान सकते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ। और फिर क्या है, आप पूरी एनालिसिस कर सकते हो आपके प्रॉब्लम्स की आपकी डेट ऑफ बर्थ से, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, और कितनी इंटेंसिटी से आएगा, कब तक रहेगा, और उसके बाद में कब क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात पता कर सकते हो। मैं जहां भी न्यूमरोलॉजी यूज कर रहा हूँ, मतलब 90 स्टार न्यूमरोलॉजी की, क्योंकि हर बार 90 स्टार 90 स्टार नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मैं जनरली न्यूमरोलॉजी यूज करता हूँ। ओके, और साथ साथ क्या है, यदि आपको पता चल गया तो आपके आपके बारे में, तो आप थोड़ा प्रिकॉशन हो जाओ। जैसे अभी बरसात आ रही है तो पता चल गया तो क्या होता है, जैसे आज बरसात, बहुत बरसात होने वाली है, कल भी बरसात होती है रात, तो मैंने पता चल गया तो क्या किया, मैंने बाहर ही नहीं गया, दीवार में बेमतलब जाके फंस जाऊंगा मैं, तो बेटर स्टेट हो तो बाकी काम कर लेता हूँ जो ऑफिस में बैठ के करने का है, क्लाइंट विजिट नहीं करूंगा। जैसे आज भी बादल है, मैंने नहीं गया आज, मैं बोला कि आज आराम से घर में बैठ के कुछ काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे, एनालिसिस पार्ट करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, आप प्लानिंग कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये आसानी हो जाएगी, और साथ साथ आपके लक और अनलक्की फेवरेबल इवेंट्स भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी से मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अवसरों के, अपॉर्चुनिटी के प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम, शेयर मार्केट प्रॉब्लम, सट्टा बाजार, ओके, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट, ओके, या बिजनेस अप्स एंड डाउन कब आएंगे, कौन से बिजनेस में जाना है, नेम करेक्शन कैसे करना है, मोबाइल नंबर सेट कैसे करना है, ओके, अब फिर क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, इवन शादी कब होगी, कंसीव कब होगा, डिलीवरी कब होगी, और साथ साथ आप अपने बच्चों के कैरियर को भी सेट कर सकते हो, ऐसे अनगिनत हर एक प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो। एक मृत्यु को नहीं बताता हूँ, ये अदरवाइज पीपुल कैन रिजॉल्व दैट अस, वो मैंने शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे गुरु को मैंने हामी दी है कि मैं किसी से और से शेयर नहीं करूंगा वो चीज।
आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, आने वाले हर क्षण का प्रिडिक्शन कर सकते हो। एक एक सेकंड, 6.6 मिनट 40 सेकंड का तक आपके नवांश से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। ओके, तो 9th स्टार न्यूमरोलॉजी और ये सब दे। नाउ अब एक चीज लिख लीजिए आप लोग, SOW। हाँ जी, एक सेकंड, फोन आ रहा है। हाँ जी, दो तीन पॉइंट लिख लेना। SWOT, 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 हम न्यूमरोलॉजी में दो तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। न्यूमरोलॉजी में दो तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, SWOT। SW का मतलब होता है आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस। OT का यानी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का मतलब होता है आप अपॉर्चुनिटी अच्छे समय, पूरा सिंपल बोला अच्छा समय और बुरा समय, अप्स एंड डाउन लाइफ में, लाइफ के इवेंट्स, मतलब अच्छा इवेंट बुरा इवेंट्स, घटनाएं, अच्छी घटनाएं बुरी घटनाएं, वो सब आएगा ओटी में। यानी हम न्यूमरोलॉजी से दो चीजें, हम दो मोस्ट पार्ट को हम डिवाइड कर लें, SW और ओटी। SW जो है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से जानते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से जानते हैं। OT यानी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, हम जानते हैं आपके आने वाले लाइफ के इवेंट्स को देख, मतलब फ्यूचर इवेंट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपकी डेट ऑफ बर्थ से आती हैं, तो वो हमें लाइफ लॉन्ग रहते हैं। OT वाले प्रॉब्लम जो है समय के साथ चेंज होते रहते हैं। पिछले साल प्रॉब्लम अलग था अपना, आज अलग प्रॉब्लम, वो हमेशा ही रहेंगे बट चेंज होते रहेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम रहेंगे। मगर जो SW से आते हैं उसे कहते हैं बाई बर्थ या डेट ऑफ बर्थ से आते हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, लाइफ लॉन्ग रहेंगे। उसका इम्पैक्ट कम ज्यादा हो सकता है बेस्ड ऑन पर्सनल ईयर, बट दो उसका भी प्रभाव लाइफ लॉन्ग रहेगा। ओटी का प्रॉब्लम रहेगा, वो चेंज होते रहते हैं, आज पिछले साल एक प्रॉब्लम था, आज अलग प्रॉब्लम है, कल अलग प्रॉब्लम रहे, सुबह अलग प्रॉब्लम था, शाम को अलग अलग प्रॉब्लम, तो अलग अलग प्रॉब्लम के जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं। SW वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो स्थिर होते हैं, लाइफ लॉन्ग होते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी देखेंगे आप लोग, कई लोग जानते हैं मूलांक, जानते जो मूलांक है चेंज होता क्या, भाग्यांक है चेंज होता क्या, लाइफ लॉन्ग वैसा ही रहेगा, तो वो प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी। कुछ लोगों के नेचर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइफ लॉन्ग होते हैं या चेंज होते हैं नेचर, बट जो बेसिक नेचर है वो हमेशा लोगों का वैसा ही रहेगा। किस कोई बंदा गर्मी गंभीर है तो लाइफ लॉन्ग गंभीर ही रहेगा, बहुत दयालु है तो दयालु रहेगा, ऐसा नहीं चेंज होगा, वो नहीं करेगा अलग बात है, बट वो दयालु हमेशा लाइफ लॉन्ग। तो ये जो प्रॉब्लम है SW की वो हमेशा ही रहे, थोड़ी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है बट उसके रूट का जो है सेम है। तो न्यूमरोलॉजी से आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ एरिया नहीं है आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। हम क्योंकि हम भविष्य के इवेंट को देखना चाह रहे हैं, मैंने कंपेयर वास्तु से क्यों नहीं किया, हीलिंग से क्यों नहीं किया, वो डायरेक्ट न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, वो प्लैनेट के प्रभाव को देख रहे हैं बट न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख, वो अपना अपना सिस्टम है। बट न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। ओके, जो आप न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो वो एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में जो कर सकते हो न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो, वो भी कौन सी 9th स्टार जो मेरी अपनी है।
ओके, अब क्या क्या है? देखिए एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट को देखते हैं, स्टार को देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नंबर को देख रहे हैं। ओके, वहां पे लाइफ के प्रॉब्लम को देख रहे हैं, यहाँ भी लाइफ के प्रॉब्लम को भी देख रहे हैं, वहां पर नंबर प्लैनेट के प्रभाव को देख रहे हैं, यहाँ भी नंबर के प्रभाव को देख रहे हैं। इनडायरेक्टली नंबर के प्रभाव मतलब प्लैनेट के प्रभाव को ही देख रहे हैं। आगे समझाओ, 1 नंबर क्या होता है, 2 नंबर क्या होता है। ओके, यहाँ पर हम लोगों प्लैनेट का प्रभाव समझ रहे हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न कैसे हो रहे हैं, उनके लक फैक्टर कैसे हो रहे हैं, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न को देख रहे हैं नंबर के द्वारा। ओके, नाउ हम अब कितने लोग हैं जो प्लेस ऑफ बर्थ को लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ को लेते हैं? हाँ जी, 99% लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ मेरे स्टूडेंट लेते हैं कि टाइम ऑफ बर्थ को लेते हैं। टाइम ऑफ बर्थ को हम न्यूमरोलॉजी में यूज कंसिडर करते हैं, इवन प्लेस ऑफ बर्थ को। ओके, टाइम ऑफ बर्थ को भी लेता हूं अपनी न्यूमरोलॉजी में, और यहाँ पर डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ को लेते हैं तीनों में, यहाँ भी न्यूमरोलॉजी में लेते हैं। आज आज के हिसाब से 90 स्टार और एस्ट्रोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मा दशा, अंत दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा लेते हैं, यहाँ पर भी वही ले रहे हैं। यहाँ पर तो ज्यादा ले रहे हैं, पर्सनल ईयर ले रहे हैं, पर्सनल मंथ ले रहे हैं, पर्सनल डे ले रहे हैं, यहाँ भी मा दशा ले रहे हैं, अंत दशा ले रहे हैं, यहाँ पर होरा नवांश ले रहे हैं। ओके, होरा नवांश भी लेते हैं, यहाँ पर क्या प्रश्न कुंडली लेते हैं, जो एस्ट्रो जानते हैं, यहाँ पर प्रश्न कुंडली, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है उसको प्रश्न कुंडली से देखते हैं। यहाँ भी क्या है, मैंने इन्वेंट किया है प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बिना आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कोई भी चीज? यहाँ पर एस्पेक्ट्स है, एक दूसरे दृष्टि, प्लैनेट क्या है, एक दूसरे प्रभाव डालते हैं, उसे एस्पेक्ट कहते हैं, या हिंदी में दृष्टि बोलेंगे हम। यहाँ पर क्या नाम दिया मैंने इसको, काराकाश दिया। ओके, इसमें वही है, यहाँ पर आप प्रिडिक्शन जो कर सकते हो वही न्यूमरोलॉजी सभी प्रिडिक्शन कर सकते हो, एवरीथिंग, ऐसा कोई जगह नहीं है वो नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंसेस। मैं 1 मिनट में आता हूँ, गिव मी 1 मिनट। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम प्लैनेट को ही इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, प्लैनेट को पढ़ रहे हैं, बट किन किन किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, नंबर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, डायरेक्ट प्लैनेट को कंसीडर करते हैं, हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, बट सॉरी, डायरेक्टली हम फर्स्ट इंस्टेंस में क्या कर रहे हैं, नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली हम पढ़ रहे हैं क्या, प्लैनेट को ही पढ़ रहे हैं। या कई बार क्या होता है, मतलब हम बच्चों को इनडायरेक्टली समझाते हैं, डायरेक्ट नहीं समझाते। क्यों नहीं समझाते हैं, एक मेथड है वो भी, तो हम डायरेक्ट प्लेनेट को नहीं लेते, नहीं है नंबर को लेते। अब बस दोनों का मेथड अलग अलग है, ये नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट मेथड है, यहाँ पर डिफरेंट, बट वही एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, अब देखिए 1 नंबर का मतलब क्या है, 2 नंबर का मतलब क्या है, 3 नंबर क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6, 7, 8, 9, क्यों 9 नंबर ही है? अब ये 9 नंबर ही क्यों भाई, नवरात्रि 9 है। ओके, और क्या है, और क्या क्या है, 9 नंबर, 9 दुर्गाएं हैं, और क्या है, कोई बोल पाएगा? और नौ नौ नंबर ग्रह, क्या है, 9 ग्रह है, 9 ग्रह नौ है, और ग्रह, नौ डिजिट है, 9 डिजिट नौ है, अंक और है, हाँ क्या बोले, चैतन्य कुछ बोला था, हाँ जी चैतन्य, हाँ जी 9 है। आप देखो पांच सर। तत्व, हाँ जी, हाँ जी हाँ बोलो, हाँ जी क्या बोल रहे थे आप, 9 क्या बोले थे आपने, बस वही, नौ अंक है, नौ देवियां है, 9 देवियां हैं, 9 ग्रह नौ हैं, ग्रह है, हम नाइन्थ पकड़े। मंथ मम्मी रहती ना प्रेगनेंट, 9 मंथ 9 महीना। हाँ यस, आप देखो 9 प्रेगनेंसी टाइम भी 9 ही है, आखिर 9 क्या है, बहुत है बोलना जाए। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए जैन लोगों में लिखता है भगवान महावीर 1108 महावीर भगवान लिखते हैं, वहां भी तो 9 ही आ रहा है, 108 हम पुण्य नम 108 मालाएं हैं उसमें 9 ही आ रहा है, 9। और हर रिलीजियन में क्या है, क्या है, नो 9 है। ओके, ओम का मतलब ही भी 9 ही है, अ उमा, उसी को हम कह रहे हैं 369,
वहां भी 9 ईयर है, 18 का 9 है। ओके नेक्स्ट। अब 9 का इम्पोर्टेंस, बट 9 क्या है? पहले सबसे पहले एक नंबर एक है, क्या है? एक नंबर सन का है, नंबर जो है 1 है जो सन का है। नंबर 2 जो है वो किसका है? मून मून का। हाँ जी, थोड़ा सा जो जो वीडियो, थोड़ा सा आवाज आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए बाकी लोग। हाँ जी, 1 नंबर जो है सन का है, नंबर 2 क्या है? मून का है, नंबर 3 क्या है? जुपिटर का। नंबर 4 किसको बोलते हैं? राहु को कहते हैं। नंबर 4 किसे कहते हैं? राहु को कहते हैं। नंबर 5 किसको कहते हैं? मेरक्यूरी। नंबर 6 वीनस। नंबर 7 केतु। नंबर 8 सैटर्न। नंबर 9 मार्स। क्लियर है? ये 9 नंबर को हम डायरेक्टली, हम जो नुम्बोजी में पढ़ते नंबर को पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में डायरेक्ट प्लैनेट को रिफरेंस पॉइंट है। इनडायरेक्टली हम नंबर को पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, हम प्लैनेट को ही पढ़ रहे हैं। सिंपल, एक नंबर क्या देता है? एक नंबर लिखते जा रहा हूं, पॉइंट यहाँ पर लिखाऊंगा। नंबर 1 जो है एक लीडर है। नंबर 1 क्या है? लीडर है, किसी के सामने झुकता नहीं है, उसके पास बहुत ईगो होता है। ईगो का मतलब ये नहीं कि किसी को अहम भाव जो होता है, आई फर्स्ट, उसके अंदर क्या होता है, आई मस्ट आता है। आई क्या है? माई फर्स्ट, आई फर्स्ट। ओके, यू आर नॉट फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट। ओके, ये ऐसे लोग जो है वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करें, किसी के अंडर काम करेंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। मेरा पसंद है तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय। ओके, इनके पास अधिकार होता है, ऐसे एक नंबर के पास अधिकार होता है, क्योंकि 1 नंबर जो है वो राजा का, आगे देखेंगे, वो नंबर जो है राजा का है। राजा किसी को सुनता है क्या? किसी की भी नहीं सुनता है, वो अपने हिसाब से करेगा। बट एक नंबर वाला काम करता है तो समाज के या देश के या अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करेगा, बट वो काम करेगा बट सेल्फ के लिए काम करेगा, मतलब आई फर्स्ट आएगा। ओके, अब सन का मतलब है ईगो बहुत होता है, लीडरशिप होती है इसमें, लिखे ना, लीडरशिप, ईगो बहुत होता है। और ये जो 1 नंबर है, अब मैं, जो सन है 1 नंबर, किसी की बात भी सुनता क्या? वो नहीं सुनता है ना, जिसको बोल दिया जाए कि मोदी ने ऑर्डर दिया कल आ जाना, तो कल देर से आना, तो 4 बजे आना, तो सुनेगा क्या? आज बोलेंगे नहीं आज जल्दी नहीं जाना, तो ओवर टाइम करेगा क्या? नहीं करेगा, किसी की बात भी नहीं सुनता है, वो अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से जाएगा, इसीलिए वो 1 नंबर है, सन है। दुनिया उसकी बात माननी है, दुनिया को उसका बात मानना होगा और कुछ नहीं। ऐसे लोगों की लैंग्वेज बहुत स्मार्ट होती है, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं लोगों के सामने। नंबर 2 होता है मून का होता है, नंबर 2 मून का होता है। अब मून का कैसा होता है? 15 दिन अप रहेगा, 15 दिन डाउन रहेगा, तो इसमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ये बहुत इमोशनल होता है। मून शांति प्रिय है, उसका मून की किरणें जो है वो शांति देती है, ही शांति प्रिय आदमी, बट सेंसिटिव है वो, और ऐसे लोग बहुत इंटूटिव भी होते हैं। ओके, और ये शांति प्रिय होती है।